कि वहाँ जो हिंदू लोग हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, क्या ऐसा सही है? हाँ, जैसे सुनने को आ रहा है ये तो है ही सही, हत्या तो हो रही है। चाहे वो उनका सरकारের জন্য সবাই আন্দোলন করুন, যাতে ও কাছে কি হচ্ছে ওটা অ্যাকশন নিয়ে ভালো করে। আর कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक घटना जिसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वह मुद्दा भी चर्चा में बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं सरल भारत। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, इन लोगों की उस घटना के विषय में क्या राय है। तो भैया आपका नाम? जी, दुलाल बर्मन। दुलाल बर्मन, आप कहाँ से भैया? उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से आप? क्या बात है। तो अभी आपके पश्चिम बंगाल में एक घटना घटित हुई है। हाँ जी। जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ममता सरकार इसको मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे मोदी जी ने बताया है न्यूज़, 2-4 दिन पहले मैंने कल या परसों में न्यूज़ में देखा था, मोदी जी ने बोला था कि इसको सही तरीके से कार्रवाई किया जाए, जो भी इनका जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। ममता सरकार को इसको मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना सरकार चलाने में बिजी है। गुंडागर्दी बहुत बंगाल में हो रहा है। गुंडागर्दी है बंगाल में? जी जी, बहुत है बंगाल में गुंडागर्दी। कितनी कैस किस हिसाब की गुंडागर्दी है? माफियागिरी चलते है ज़्यादातर वहाँ पे। तो किस चीज़ की माफियागिरी? जैसे इलेक्शन के टाइम वोट जबरदस्ती लेना, मतलब वो पोलिंग बूथ पे जबरदस्ती वोट वो करना, और जैसे अभी जैसे बीजेपी नेताओं को मारना, ये सब होता रहता है। अब तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं उनको मारा जा रहा है? हाँ जी, वो हत्या होता रहता है बीजेपी का। बीजेपी की बहुत हत्या होती है। हाँ, बीजेपी के नेताओं की। हाँ, कुछ दिन पहले मेरे जिले में रायगंज सिटी है, वहाँ पे एक नेता का वहाँ पे हत्या हुआ है। किसका, क्या नाम है उनका? नाम इतना ध्यान नहीं है, मतलब न्यूज़ में मैं देखा था कल, तो उनका नाम इतना दिमाग में नहीं आ रहा अभी, तो उनका हत्या हुआ है पश्चिम बंगाल में। ममता सरकारের জন্য সবাই আন্দোলন করুন, যাতে ও কাছে কি হচ্ছে ওটা एक्शन नहीं है ভালো করে। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस बारे में जो बंगाली कॉलोनी के लोग हैं, यहाँ भी चर्चा हुई होगी और आपकी भी शायद किसी लोगों से बातचीत हुई हो, लेकिन मैं हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे जानने का है कि आपकी इस बारे में क्या राय है। राय मतलब हमें जितना भी खबर मिलता है मीडिया से जो भी मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो हो रहा है ये तो शुरू से ही होते आ रहा है। वहाँ जब पॉलिटिक्स देखेंगे, राजनीति बहुत ही मीन्स गंदा, खून खराब, ये सब होते ही रहता है हर साल हर जगह पे, मेनली पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा है ये चीज़। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो बंगाल की राजनीति है, कहीं ना कहीं वो राजनीति जो लोग करते हैं वो गलत तरीके से राजनीति करते हैं वहाँ पर? गलत तरीके से तो करते ही हैं, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक हो, इसको चेंज करना चाहिए, इसको बदलाव आना चाहिए। मीन्स जो भी है शुरू से ऐसा ही, आप अगर इतिहास देखने जाएंगे वहाँ से ऐसा ही मिलेगा आपको। तो इसमें आप किसकी विफलता मानते हैं? जैसे घटना घटी है अभी, 4 दिन हो चुके हैं पूरे घटना को, उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे सर? जैसे सुनने को तो आया, जैसे वहाँ के CM जो कहा है कि वहाँ पे अभी पूरी जांच होगी, पूरी पुलिस वालों को बोल के रखा है, जो भी होगा एकदम प्रॉपरली अनाउंस तो कर दिए हैं, मीडिया के सामने बोले हैं, अभी कहाँ तक होगा क्या ना होगा तो बाद में पता चलेगा। इतना पॉलिटिकल गंदा है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है कुछ, ना नौकरी है ना कुछ है, डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं। तो पढ़े लिखे इतना होते हैं वहाँ, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, तो बाहर नेचुरली वो तो बाहर आएंगे। कि वहाँ जो हिंदू लोग हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, क्या ऐसा सही है? हाँ, जैसे सुनने को आ रहा है ये तो है ही सही, हत्या तो हो रही है। चाहे वो देखिए बीजेपी हो, चाहे वो दूसरे इसका हो, पार्टी का हो, लेकिन है तो सब सेम, इधर से उधर, बस खाली ये लोग चेंज किए हैं पार्टी, बाकी तो सेम है वहाँ। कोई भी आए वहाँ, कोई भी आता, ये चलता ही रहेगा मेरे ख्याल से।
ये बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए, तभी कुछ हो सकता है। क्या कदम आपको लगता है उठाना चाहिए? बहुत स्ट्रांगली जो भी करेंगे मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि किसी की हिम्मत ना करे कि ऐसा करने के लिए। लेकिन सरकार तो खुद ही करप्ट है, आप बता रहे हैं सरकार में ये सारी चीज़ें चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, यही तो इसीलिए तो ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित होने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने अपना जो अपना नेता के रूप में फिर से उनको चुना है, क्यों चुना है? चुना है, अभी ये बात है कि कितना सही है इसमें जो भी इलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम जो वोटिंग है आप तो जानती हैं कि वहाँ जो माइनॉरिटी है उसी के ऊपर ही वोटिंग उनको चलता है। तो माइनॉरिटी के ऊपर ममता जी की सरकार इस समय एकदम बैठी हुई है कह सकते हैं आप? हाँ बैठी हुई है जो भी है। ये एक्चुअली ये बहुत ही क्रिटिकल, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है राजनीति बहुत ही क्रिटिकल, इसमें समझना बहुत मुश्किल है और इसका बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम दिल्ली की बंगाली कॉलोनी में आए हुए थे और यहाँ के जो बंगाली लोग हैं वो इस घटना के प्रति इस खेद व्यक्त कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो सरकार है वहाँ की, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो अपना काम सही प्रकार से नहीं कर पा रही है और उनके काम में सुधार की भी आवश्यकता है। जो फैसले उनके द्वारा इस घटना को लेकर लिए गए हैं उस फैसले में और ज़्यादा सख्ती बरतने की आवश्यकता है ताकि जो लोग हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उस भयानक घटना में, उन लोगों को न्याय मिल सके।